नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। आप पूजा पाठ योग साधना कुछ भी न करें, केवल कर लीजिए छोटी सी प्रार्थना। बस एक दिन एक लोटा अथवा एक अंजलि जल अर्पण के साथ शांति मुक्ति भक्ति प्रेम आनंद प्रभु जी की अनंत कृपाएं के 100% गारंटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। समर्पण का एक संकल्प बदल सकती है आपके मन और जीवन की दशा और दिशा। शंका न करना दोस्तों, ऐसा करने वाले लोगों ने बाद में स्वयं भी मन की शांति मिलने का दावा किया है, क्योंकि जिसे भगवत शरण मिल जाता है उसका जीवन सर्वव्यापी परमात्मा के द्वारा आरक्षित सुरक्षित हो जाता है। अनहोनी से बचाव और होनी में मंगल छिपा होता है तथा मायापति की माया से भी अभयता मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जीवन में वह धन मिलने लगता है जो जीवन के साथ भी सार्थक होता है और जीवन के बाद भी, क्योंकि माया का मूल स्वरूप हमारे मन में स्थित भावनाएं हैं जिन्हें हम भवसागर कहते हैं। भगवत कृपाओं से हमें इसमें तैरना आ जाता है, जिसके कारण हमारा मन विपरीत विषम परिस्थितियों में भी शांति प्रेम आनंद में सीख रहना सीख लेता है। हमारे व हमारे अपनों के लिए जीवन के लिए अति कल्याणकारी और महत्वपूर्ण सद्गुण प्रदायनी भवतारिणी शांति प्रेम आनंद मोक्ष प्रदायनी भावना प्राप्त है, जिसे स्वयं के साथ बच्चों से भी किसी शुद्ध स्थान अथवा शिवलिंग पर कम से कम एक बार एक लोटा जल अथवा एक अंजलि जल अर्पण के साथ जरूर करें। जिससे जल के साथ करने से हमारी ये प्रार्थना संकल्प हो जाती है जो कि अचूक फलदायी सिद्ध होती है। प्रार्थना नंबर एक, हे जगदीश्वर, हे जगत पिता, ये जीवन मैं आपको सौंपता हूँ, इस जीवन की पतवार अब आप ही संभालिए। प्रार्थना नंबर दो, हे करुणा सागर, मैं जैसा भी हूँ खोटा खरा, अब आपके ही शरण में हूँ नाथ, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, अब सब आपकी जिम्मेदारी है। प्रार्थना नंबर तीन, हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, ये संसार आपको भिन्न भिन्न नामों से पुकारता है, कोई अल्लाह कहता है तो कोई ईश्वर, कोई ईसा तो कोई वाहेगुरु, परंतु हे नाथ आप जो भी हैं जैसे भी हैं मैं अपने आप को आपकी शरण में सौंपता हूँ। प्रार्थना नंबर चार, यदि आपके जीवन में गुरु का अभाव है तो, हे जगत प्रभु, आपका सच्चा स्वरूप क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अब मैं जैसा भी खोटा खरा स्वयं को शिष्य रूप में आपको अर्पण करता हूँ। आप जगत समस्त जगत के गुरु हैं, अतः आज से आप मेरे भी गुरु हैं। हे शरणागत भक्त वत्सल, अपने शरणागत को शिष्य रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। आप इनमें से कोई भी एक प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, शरणागति का अर्थ है अपने मन का समस्त अहंकार अर्थात अपने ज्ञान और बुद्धि की श्रेष्ठता का भाव अपनी समस्त कामनाएं परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण कर देना, अपने जीवन की बागडोर परमात्मा को सौंप देना। अतः समर्पण की प्रार्थना करते समय यह भूल जाएं कि इस संसार में ईश्वर ही सत्य है, अल्लाह ही सत्य है, ईसा ही सत्य है, क्योंकि समर्पण की प्रार्थना निर्विकार निष्पक्ष निर्मल अबोध बालक की भांति ही करना चाहिए। सफलता का मूल मंत्र ही यही है। हम अपने ज्ञान के प्रति जो श्रेष्ठता का भाव रखते हैं यही कट्टरता का भाव होता है, जिसके अधीन होकर ही हम एक ही ईश्वर को अनेक रूपों में बांटते और अनुसरण करते हैं। ऐसा हमारे अहंकार भाव अर्थात जगतव्यापी माया के कारण जाएंगे, जिसके वशीभूत हो हम एक ही ईश्वर को अनेक अनंत रूपों में बांटते और नए नए पंथ मतों का निर्माण करते जा रहे हैं। इसलिए आप चाहे जिस धर्म मजहब के हों, कम से कम समर्पण की प्रार्थना करते समय तो निष्पक्ष भाव से ही करें। आपके एक हृदयगत समर्पण पर मात्र एक ही समर्पण से भगवत कृपा से धीरे धीरे आपके जीवन में सत्य असत्य का बोध हो जाएगा तथा जीवन शांति मुक्ति भक्ति प्रेम आनंद से भरपूर हो जाएगी। प्रभु जी रिश्ते की बातें यदि पूर्ण श्रद्धा विश्वास हो तो गुरु का भी। कृपया इस वीडियो को प्रदर्शन अथवा धार्मिक प्रचार न समझें, ये मेरे अनुभवों और भगवत गीता का सार है जिसे भगवत प्रेरणा से ही जनसेवार्थ बांट रहा हूँ, क्योंकि प्रभु जी ने एक घटना चक्र के माध्यम से मुझे निस्वार्थ सेवा भाव से जीवन जीने का संकल्प कराया था। परमात्मा की अनन्य कृपा पाने के लिए प्रातःकाल
स्नान के बाद केवल एक बार एक लोटा अथवा एक अंजलि जल अर्पण के साथ समर्पण की इस प्रार्थना को जरूर करें। हे भगवान, हे जगदीश्वर, हे विधाता, अब इस जीवन नैया की पतवार आपको सौंप रहा हूँ, इसे अब आप ही संभालिए। इस प्रार्थना को अपने परिजनों और बच्चों से भी जरूर करवाएं, जिससे कि उनका जीवन परमात्मा के द्वारा आरक्षित, सुरक्षित और भटकाव रहित हो सके। फिर मिलेंगे किसी प्रेरणादायी वीडियो के साथ। यदि आपको ये मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। सादर सहृदय प्रणाम। जय श्री हरि।